नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। मैं हूं सुष्मिता हालदार। पेश करते हैं रात 10 बजे की सबसे बड़ी खबरें। शुरू करते हैं राज्य से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांथी में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार बनती है तो बंगाल का भूमिपुत्र ही बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी, यही बंगाल की भूमिका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बसों से राज्य में बसे लोग बाहरी नहीं, माहौल अशांत करने के लिए यहां आ रहे गुंडों को बाहरी मानते हैं। पीएम मोदी को ममता ने कहा सबसे बड़ा मिथ्यावादी। मिथ्यावादी दल बीजेपी, रावणेर दल, मिथ्याचारेर दल, दुराचारेर दल, दंगा करार दल, रक्त खेलार दल, सन्त्रास करार दल, विभेदकामीर दल, झगड़ा लागानोर दल। मतदान प्रतिशत जानना है, वोटर टर्नआउट ऐप रहेगा तत्पर। पल पल मतदान प्रतिशत में अपडेट हो सकेंगे लोग। तृणमूल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल की जनता से झूठे वादे कर रही है भाजपा। पहले महिलाओं के लिए रेल परिसेवाएं फ्री करके दिखाएं, विश्वास घातकों को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। আপনাকে রোদে লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন নিতে যেতে হবে না, বাংলার মেয়ে আপনার বাড়িতে রেশন পৌঁছে দেবে, সরকার আপনার বাড়িতে রেশন পৌঁছে দেবে, বিনা পয়সায় বিনা মূল্যে রেশন। একদিকে বহিরাগতদের বড় বড় ভাষণ, আর একদিকে বাংলার মেয়ের বিনা পয়সায় রেশন। কাকে নির্বাচিত করবেন সিদ্ধান্ত একান্ত আপনার। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की बंगाल में चुनावी सभा, तृणमूल के लिए मांगा वोट। बंगाल चुनाव में यूपी पुलिस की ना हो तैनाती, तृणमूल चुनाव आयोग से की शिकायत। अब देख लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ खबरें। जीएसटी पर सरकार का यू टर्न, आपको 30 रुपए सस्ता मिल सकता था पेट्रोल, लेकिन सुशील मोदी के बयान से 8 से 10 साल के लिए टूटी उम्मीद। 450 सिलेंडर भरे ट्रक पर बिजली गिरी, राजस्थान के भीलवाड़ा में 2.5 घंटे तक हुए धमाके, 1 किलोमीटर की दूरी तक गए सिलेंडर के टुकड़े। एंजेलिया केस में नया खुलासा, सचिन वाजे के लिए 5-स्टार होटल में 25 लाख रुपए में 100 दिन के लिए कमरा बुक था। ले चलते हैं आपको जिला से जुड़ी कुछ खबरें। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सुजीत बोस ने अपना नामांकन दाखिल किया तो वहीं भाजपा उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता ने अपना पर्चा दाखिल किया। डाबग्राम फुलवाड़ी के तृणमूल प्रत्याशी गौतम देव सहित जलपाईगुड़ी जिले के कई महत्वपूर्ण तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किए। देवाशीष कुमार ने लोगों की सुविधा के लिए लॉन्च किया सजेशन बॉक्स। 28 लाख की कीमत के सोने की बिस्कुट जब्त किया बीएसएफ ने। क्या होगा कल का मौसम? महानगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धूप खिले रहेगी। कल का पंचांग। विस्तृत खबरों के लिए देखते रहेगा न्यूज स्ट्रीट। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।